नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें ध्यान दें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। पहला क्वेश्चन है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा एंड वाई क्यों। वाई इक्वल टू 3x + 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट टू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तीन ऑप्शन दिए हैं विद्यार्थियों। जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दी होती है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी यहाँ पे दो वेरिएबल है वाई और एक्स, तो इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। यानी यहाँ पे वाई डिपेंड है आपका एक्स पे, एक्स आप कुछ भी रखते जाइए वाई के मान आते जाएंगे, वो एक्स और वाई के सारे मान इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 करने जा रहे हैं। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन तीन पार्ट दिए हुए हैं, इन तीनों पार्ट में प्रत्येक के 4 सॉल्यूशन हमें राइट करने हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट पार्ट आपको ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है 2x + y = 7। इसके 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने y इक्वल टू ये 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा, हमने यहाँ x इक्वल टू 0 पुट किया। जब यहाँ 0 पुट करेंगे विद्यार्थियों तो y इक्वल टू 7 - 2 × 0 ये 0 हो जाएगा, 7 - 0 यानी 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन थी हो जाएगा आपका 0 और 7, जैसे ये यहाँ हमने लिखा है। इसी तरह से बारी बारी से आप x के 4 मान पुट करिए अलग अलग, और इसके चारों वो सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे दूसरे पार्ट में x इक्वल टू 1 पुट किया हमने, x इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या रहेगा विद्यार्थियों हमारे पास, यहाँ पे हम जब 1 पुट करेंगे 7 - 2 × 1 तो ये हो जाएगा 7 - 2 यानी 5, तो 1 और 5 भी इसका सॉल्यूशन होगा। फिर दूसरी बार हमने x इक्वल टू 2 पुट किया, 2 पुट किया तो यहाँ पे 7 y = 7 - 2 × 2 = 4 आ जाएगा, यही हमने यहाँ लिखा है 7 - 4 यानी 3, तो 2 और 3 भी इसका सॉल्यूशन होगा। और इसके बाद फोर्थ बार हमने x इक्वल टू 3 पुट किया विद्यार्थियों, तो यहाँ पे y इक्वल टू 7 - 2 × 3 = 6 हो जाएगा, यही हमने लिखा है 7 - 2 × 3, तो 7 - 6 ये आ जाएगा, ये भी आपका सॉल्यूशन होगा। और लास्ट में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4 सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 0, 7, 1, 5, 2, 3 और 3, 1, ये इसके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है πx + y = 9, तो यहाँ पर y इक्वल टू ये 9 पाई एक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा, यही हमने किया। फिर पुट किया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 9 - π × 0 ये आपका 0 ही हो जाएगा, 9 - 0 9, यानी एक सॉल्यूशन आ गया आपका x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 9। फिर पुट करेंगे x इक्वल टू 1 यहाँ पुट किया, y = 9 - π × 1 9 - π हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तीसरा फिर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 - π × 2 तो आपका 9 - 2π यानी एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। और फिर इसी तरह से हमने x इक्वल टू यहाँ 3 पुट किया, जब 3 पुट करेंगे तो 9 - 3π आ जाएगा, एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। और यही हमने लिखा 4 सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 0, 9, 1 - 9π, 2 - 1 - 9π, 2 - 9π, 3 - 9π, ये इसके 4 सॉल्यूशन होंगे विद्यार्थियों। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट ये दिया हुआ था, इसी तरह से y की जगह हमने अलग अलग 4 मान पुट किए, पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर हमने 2 पुट किया और फिर हमने 3 पुट किया। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 × 0 = 4, 0 ही आ जाएगा, 1 पुट किया तो ये 4 आ जाएगा, 2 पुट किया तो 8 आ जाएगा, 3 पुट किया तो 12, और ये आपके लास्ट में सॉल्यूशन हो जाएगा 4 सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 0, 0, 4, 1, 8, 2 और 12, 3, ये आपके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे विद्यार्थियों। इसी तरह से इसका प्रश्न संख्या तीन में क्या कहता है, ये प्रश्न संख्या 3 में कहता है विद्यार्थियों, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास 5,
इसमें से इसका कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं। तो हम एक्स और वाई के मान पुट करेंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 3 में ये इक्वेशन दी हुई है, पहला ऑप्शन ये था एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 2, हमने यहाँ पुट किया तो ये आपका एक्स की जगह 0 रखा, वाई की जगह 2, तो ये आपका ऑप्शन आ जाता है विद्यार्थियों -4 = 4, जो कि सही नहीं है, फाल सही है, गलत बात है, ऐसा होता नहीं है। तो इट इज़ नो ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये दी हुई इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। दूसरी बार हमें दिया हुआ था 2 और 0, तो एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 0 पुट किया इसी इक्वेशन में, तो एक्स की जगह 2, वाई की जगह ये रखा हमने, तो आपके पास ये आ जाता है लास्ट में 2 और 4 बराबर, ये भी गलत बात है, फॉल्स है, तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन लिखा। फिर हमने एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 0 पुट किया विद्यार्थियों, तो एक्स की जगह हमने 4, वाई की जगह माइनस का 2 × 0 = 4, 4 − 0 = 4, यानी 4 = 4, ये बात सही है विद्यार्थियों। तो इट इज़ सॉल्यूशन, यानी आपका सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 0, यानी तीसरा पार्ट है वो आपका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ भी हम चेक कर सकते हैं। फोर्थ में आपको एक्स इक्वल टू रूट 2 और वाई इक्वल टू 4√2 दिया हुआ है, जो हमने इस इक्वेशन में पुट करा, यहाँ पे एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 0, तो एक्स की जगह ये माइनस का 2 वाई की जगह हमने ये रखा, इक्वल टू ये रूट 2, ये 8√2 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का 7√2 होगा, इक्वल टू 4, ये बात भी गलत है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में पुट किया, 1 आपकी इक्वेशन यही है विद्यार्थियों, एक्स की जगह 1, 2 वाई की जगह 1 बराबर 4, 1 माइनस 2 आ गए यहाँ से बराबर 4 चलते आ रहे हैं, माइनस 1 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये भी आपकी बात गलत है, तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू निकालिए, एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 1 है, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे विद्यार्थियों, तो हम एक्स और वाई की जगह ये मान पुट कर देंगे और के का मान आ जाएगा। देखिए जैसे हमने एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2x + 3y = k जो आपको दी हुई है, तो यहाँ पे एक्स की जगह 2 रखा, वाई की जगह 1, 2 × 4 3 × 3 4 + 3 = 7, ये आपका आंसर होगा के का। और इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी 4.2 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।